एयरपोर्ट इन गोवा, मनोहर ओयो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये वाकई में ऐसा है? देखा है? ओए होए होए, प्यारा है। एक मुंबई का एयरपोर्ट हमने देखा था हाँ। यार। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। हेलो। आई होप आप सब लोग मजे में हैं। हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आपके सामने बैठे हैं। आज हम लोग जो वीडियो लेके आए हैं जी, तो इंडियाज़ टॉप 30 प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड इन 2022। ऐसी बहुत सारी हमने वीडियोज़ देखी जिसमें प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं ये अंडर, अपकमिंग प्रोजेक्ट हाँ, या है, अपकमिंग है, लेकिन ये हमें बताएंगे कि 2022, तो देखते हैं उसमें इंडिया टाइम में क्या क्या प्लाइज। प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए हैं। एंड तो बहरहाल आज ये वाली वीडियो देख लेते हैं और जानते हैं कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए हैं इंडिया में। जिस चैनल से ये वीडियो है, मोस्ट अमेजिंग क्लिप्स, इनके चैनल का नाम भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, हमारे व्लॉग चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, दोनों को चेकआउट करें। ये वीडियो देखने के बाद करेंगे डिस्कशन, स्टे विद अस। पता नहीं इसमें वॉइस ओवर होगा या सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक पे हमें पता चलेगा। इनकी फिल्मोग्राफी बहुत अच्छी होती है। कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड 8 सितंबर 2022। वो देखो इंडिया गेट कितना प्यारा लग रहा है। अच्छा नहीं, कर्तव्य पाथ है, इंडिया गेट नहीं है। मुंबई नागपुर एक्सप्रेस वे ये भी कंप्लीट हुआ है, कितना बड़ा है। मुंबई टू नागपुर मुंबई नागपुर कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड 11 दिसंबर 2022, 55 करोड़ रुपए में। और कितना खूबसूरत भी लग रहा है ऊपर से। कुछ हिंदी में लिखा आ रहा, हमको नहीं समझ आ रहा। वो जगह ही बता रहे हैं ना कहाँ हाँ, से कहाँ तक होगा इसमें लिंक। ये क्या है जी? विक्रांत क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर। ओए होए ये होए होए, किसे यूज होता है? ये एयरक्राफ्ट ने लैंड करना हो ना पानी पे, आ रहा आकर वो पूरा, ये बड़ी पोर्ट, ये फिल्मों में मैंने देखा हुआ है। 19,500 करोड़। बंदेलखंड एक्सप्रेसवे 16 जुलाई 2022 को ये एक्सप्रेस वे कंप्लीट हुआ है। 14,716 करोड़ रुपए, यानी हजारों करोड़ रुपए। एक्सप्रेस वे बहुत ज़्यादा है ना, मेट्रो भाई, सिस्टम, वहाँ वो नागपुर मेट्रो तरक्की कर रहे हैं, बना रहे हैं नई नई रोडें, मेट्रो सिस्टम। 11 दिसंबर नागपुर मेट्रो। अच्छा मेट्रो बहुत है यार, 8,000 और लेवल की है। हरियाणा एक्सप्रेस वे 1 अगस्त 2022 को हुआ जी कंप्लीट। हाँ, नौ हजार चार सौ सेवेंटी थ्री 73 को क्या बोलते हैं उर्दू में नहीं पता। मेट्रो सिस्टम इन पुणे। अच्छा मेट्रो के लेवल है, बहुत प्यारा कलर है। लाइट वेट एयरपोर्ट इन ओयो गोवा, ओयो ओयो मनोहर ओयो। इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये वाकई में ऐसा है? देखा है? ओए होए होए, प्यारा है। एक मुंबई का एयरपोर्ट हमने देखा था हाँ। याद है? हॉस्पिटल इन इन हिमाचल हिमाचल प्रदेश, प्रदेश। बिलासपुर। ओ कमाल है, इतना बड़ा हॉस्पिटल। और ओए हो, पूरा ये तो दुनिया लग रही है। 1,470 करोड़, बहुत बड़ा। हाईवे इन हरियाणा, हाईवे इन हरियाणा, सोहना एलिवेटेड कॉरिडोर। एक हजार चार सौ 66 करोड़। इंग्लिश प्लस उर्दू। टूरिस्ट अट्रैक्शन तेलंगाना स्टैचू, ये हमने देखा था, बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा इस साल बना है। स्टैचू ऑफ यूनिटी भी हमने देखा था, ये इक्वालिटी। और देखो सीढ़ियों से कितना, 1,000 करोड़ का बना। ओए होए होए, ये क्या है? प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड ट्रांसिट कॉरिडोर। और देखा था ये सारा, ये हमने किसी वीडियो पे देखा तो नहीं है? मुझे लग रहा है हाँ, हमने बहुत सी देखी है ना। 923 करोड़ रुपए, यानी 1,000 करोड़ के करीब करीब। हिंदू टेंपल, महाकाल कॉरिडोर, हिंदू टेंपल इन उज्जैन, ये नहीं देखा ना हमने? नहीं, शायद देखा नहीं। ओए हो, ओए देखा हो, 856 करोड़। बड़ा है। और लाइटिंग के साथ है। कितना खूबसूरत लग रहा है ना एयरपोर्ट इन अरुणाचल प्रदेश। नाइस,
645 करोड़ रुपया। पुलिस इंटीग्रेटेड कंट्रोल सेंटर, अच्छा पुलिस का कंट्रोल सेंटर है। ओए ये तो कोई यार मतलब नेक्स्ट लेवल है। हॉलीवुड फिल्म्स में नहीं इस तरह के होते पुलिस सेंटर्स उस तरह के हैं। ओए रात का टाइम देखो और इंडिया का झंडा भी बना हुआ है साइड पे। ये क्या? महाराजा वीर बिक्रम एयरपोर्ट अगरतला त्रिपुरा 450 करोड़ रुपया। एयरपोर्ट देखा कितने बना रहे हैं, बड़े कमाल। अच्छा अच्छी बात है ना, हर जगह पे अपना होना चाहिए। एयरपोर्ट हाईवेज, एयरपोर्ट इन देवघर झारखंड, झारखंड हमारा मनोज देव वाला। अच्छा, एक्सप्रेस वे और एयरपोर्ट ज्यादा है। हाँ, मनोज देव ब्लॉगर हैं, वो भी झारखंड से हैं, उनको मैं देखता हूँ। इनोवेशन हब तेलंगाना, दिन के टाइम तो है ही खूबसूरत, रात के टाइम का देखो। हाँ वो देखो कुछ लिखा हुआ आ रहा है, प्रधानमंत्री संग्रहालय, ये क्या होता है? 271 करोड़। वो देखो डिजिटली आ रहा था। इंडस्ट्रियल पार्क तेलंगाना, दिल्ली, दिल्ली में वंज्या भवन, क्या मतलब बेसिकली क्या है, क्या वंज्या भवन हमें बताइए। आर कैट, राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, आईटी फिनिशिंग स्कूल। और देखा था रोबोट्स भी थे, तेलंगाना तेलंगाना फ्लाईओवर। और देखा है कि शहर रोशन है सारे रात के टाइम पूरे। ऐसा ना एक रावलपिंडी में भी एक जगह है। अच्छा नया स्टैचू है, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ये हमने देखा। ये तो मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज तो नहीं है ये? देखा हमने, सुने नहीं, हमने नहीं देखा। सेमी हाई स्पीड ट्रेन्स, इनके वंदे भारत एक्सप्रेस, फोर वंदे भारत एक्सप्रेस नई स्टार्ट की, हमने देखी थी वंदे भारत का, लेकिन ये नई स्टार्ट हुई है। अच्छा, ओ मतलब सब एडवांस। और ये हमने देखा था फुट ओवर ब्रिज, ये जो ब्रिज था अहमदाबाद में अटल पेडेस्ट्रियन ब्रिज, और इसका रात का टाइम भी बड़ा प्यारा, ये काइट से जो इंस्पायर्ड था सारा। हाँ अटल ब्रिज, साबरमती रिवर फ्रंट हैज कंप्लीटेड अ डेकेड, स्टैचू ऑफ बिलीफ हमने देखा, स्टैचू सारे देखे थे, पूरी स्टैचू पे हमने डेडिकेटेड वीडियो देखी थी, हमने प्रॉस्पेरिटी वाला भी देखा है, हमने एक सारी देखी थी, लॉर्डशिप के सारे स्टैचूज थे उसमें, और एक हमने वैसे सारे स्टैचूज देखे थे। पार्क इन तेलंगाना, ये पार्क है। ओए होए रश देखो कितना खूब है, 35 करोड़। डायमंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डायमंड बोस सूरत, सूरत में है ये, सूरत। ये क्या है पता नहीं, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डायमंड बोर्स 3200 करोड़, कितनी बड़ी है। ओके यार, सो बहुत सारे लोग हमें एक चीज बोलते हैं अक्सर कमेंट्स में कि यार आप वीडियो देख लें फिर बोलें, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी जो अंदर हमारे इमोशंस होते हैं वो निकल आते हैं, लेकिन हम कंट्रोल करते हैं उसको कंट्रोल करने की। लेकिन 2022 में इंडिया ने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं, और हाईवेज ज़्यादा, एयरपोर्ट्स हाईवेज ज़्यादा हैं। हाँ, और यही चीज़ें हैं जो मुल्क को ऊपर लेकर जाती हैं, स्टैचूज भी हैं और पार्क्स भी हैं, आईटी की वो सारी जो है स्कूल, हाँ, फिर अटल ब्रिज हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लॉर्डशिप के सारे स्टैचूज, पुलिस सेंटर वो। और मैं कह रहा था इसको कि दिन को तो वो खूबसूरत लगते ही हैं, लेकिन उन्होंने रात के टाइम का भी इंतज़ाम किया हुआ है, कितनी खूबसूरत लाइटिंग उसमें होगी। और इंडिया, जैसे हमने पिछली एक वीडियो देखी थी उसमें बता रहे थे कि 2050 में कि 30 में जाने तक वो तीसरा ऐसा मुल्क होगा जो कि तरक्की पर होगा, चाइना और अमेरिका के साथ खड़ा होगा। और वाकई में ये चीज़
पॉसिबल है, क्योंकि हम इतनी इंडिया पर वीडियोस देखते हैं और हर बार अमेज हो जाते हैं, इवन के स्मार्ट सिटीज भी अब बन रही हैं हाँ, उधर, कि इंडिया क्या क्या कर रहा है अपने लोगों के लिए। ट्रेन्स आ गई हैं, हाँ, नई मेट्रो वंदे देखो भारत, जरा हाँ, मेट्रो का जो मेट्रो कलर हर था, आई थिंक हर इंडिया के सिटी में मेट्रो है। तो कमाल हो रहा है हर साल। और अब पता नहीं 2023 23 में क्या में क्या कुछ होना कमाल है। करना है। तो आई होप आपको भी देखकर हमारे साथ अच्छा लगा होगा। इसी तरह की अगर और वीडियो चाहते हैं हमें बताइएगा, हम लेके आएंगे। ये रिएक्शन अगर अच्छा लगा तो सो वट डू लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर माई ब्लॉग्स में जाकर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। इंस्टाग्राम को फॉलो करना मत भूलना फॉर लेटेस्ट फोटो स्टोरीज एंड अपडेट्स के लिए। सो इसी तरह आपके लिए नए नए रिएक्शन लाते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।